दोस्तों, आपने बहुत सारे जीवों की आवाजें सुनी होंगी, आपने अलग अलग लोगों की आवाजें सुनी होंगी। आपका हो सकता है कोई फेवरेट सिंगर भी हो जिसकी आवाज आपको बहुत पसंद हो, लेकिन आज हम आपको ब्रह्मांड की कुछ ऐसी आवाजें सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसे हम आने वाले सालों में भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी इसे समझने के लिए अब तक अनगिनत अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष में भेजा जा चुका है। अब तक न जाने कितने अलग अलग तरह के मिशन ब्रह्मांड में भेजे गए हैं जिन्होंने हमें इसके बारे में जानकारी भी दी है, और शायद इसी वजह से हम ब्रह्मांड को और ज्यादा जानने के लिए इतना उत्सुक रहते हैं। अब वॉयेजर को देख लीजिए जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा दूरी पर खोजबीन कर रहा है। आज हम सौरमंडल के सभी ग्रहों के बारे में अगर जानते हैं तो इसके पीछे भी इन्हीं मिशंस का हाथ है। लेकिन क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष में भेजे गए इन यानों की आवाज कैसी है? अब आप कहेंगे कि ब्रह्मांड में तो आवाज ट्रेवल ही नहीं करती, क्योंकि वहां पर तो कोई भी आवाज को ट्रेवल करने का मीडियम ही नहीं है, फिर ये कैसे मुमकिन है? लेकिन दोस्तों, अंतरिक्ष यान वहां से साउंड वेव के फॉर्मेट में आवाज को भेजते हैं, जिसे वैज्ञानिक इसे ऑडियो में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद ही उस ग्रह की आवाज हमें सुनाई देती है। यह आवाज सुनने में काफी डरावनी लगती है और कभी कभी काफी अच्छी भी लगती है। तो आइए आज आपको सुनाते हैं सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों की असली आवाजें। सबसे पहले हम अंतरिक्ष की ओर बढ़ने वाले हैं और ब्रह्मांड की आवाज से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम इंसानों ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफी तरक्की कर ली है। हमने न सिर्फ सौरमंडल में मौजूद ग्रहों की आवाज का पता लगाया है, बल्कि इसके साथ ही यूनिवर्स की शुरुआत में उत्पन्न हुई आवाज का भी पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने 13.8 बिलियन साल पुरानी रेडिएशंस को कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से साउंड वेव में बदलकर यूनिवर्स के शुरुआती दौर की आवाज को भी जानने की कोशिश की है। हालांकि हमें इसमें पूरी तरह से कामयाबी तो नहीं मिल सकी, लेकिन अब तक हम बिग बैंग के 4 लाख साल बाद की रियल आवाज को सुन पाने में सफल रहे हैं। जब हम कॉस्मोस की शुरुआती मिलियन ईयर्स की आवाज को 20 सेकंड में कंप्रेस करते हैं तो हमें संगीत की जगह पहले कम गड़गड़ाहट फिर भारी आवाज सुनने को मिलती है, जो कि ब्रह्मांड के पहले तारे के निर्माण की आवाज को दर्शाती है। वीनस साउंड। पृथ्वी की बहन कही जाने वाली वीनस हमारे सौरमंडल का दूसरा ऐसा ग्रह है जहां के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी परत मौजूद है। इसी वजह से वीनस की आवाज की पिच काफी गहरी हो जाती है, वोकल कॉर्ड्स काफी धीरे वाइब्रेट होती है। हालांकि इस ग्रह पर साउंड की स्पीड पृथ्वी की तुलना में बहुत तेज होती है। ऐसे में जब हम वीनस से आने वाली साउंड वेव्स की बात करते हैं तो हमें एक ऐसी आवाज सुनने को मिलती है, क्योंकि वीनस पर बिजली कड़कती है इसलिए हमें वीनस की आवाज में लाइटनिंग की आवाज भी सुनने को मिलती है। नेपच्यून साउंड। अब सुनते हैं नेपच्यून ग्रह की आवाज। वैसे दोस्तों, नेपच्यून भी आवाज के मामले में यूरेनस जैसा ही है। वॉयेजर द्वारा कैप्चर की गई इस ग्रह के इलेक्ट्रोमैग्नेट वाइब्रेशन से हमें समंदर पर आने वाली लहरों की आवाज सुनाई पड़ती है, और ये जो आप सुन रहे हैं ये नेपच्यून की आवाज है। साउंड ऑफ जुपिटर, यानी बृहस्पति ग्रह की आवाज कैसी है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर सबसे बड़ा गैस जाइंट है। जुपिटर पर भेजा गया नासा का जूनो मिशन अब शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड को पार कर ग्रह पर पहुंचा तो वहां रिकॉर्ड किए गए रेडियो सिग्नल को साउंड वेव में कन्वर्ट करने पर हमें लाइटनिंग और गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर में घुसने पर सबसे पहले जूनो ने बाओ शोक यानी झटके को महसूस किया, जिसके बाद उसे भारी टर्बुलेंस से गुजरना पड़ा। जुपिटर पर जूनो ने सूरज से आने वाली उन चार्ज पार्टिकल्स के प्लाज्मा वेव के सिग्नल को पकड़कर हमें भेजा। इन सभी सिग्नल्स को जब हम साउंड में बदलते हैं तो शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड के चलते अजीब डरावनी और गरजने वाली आवाजें सुनने को मिलती हैं। जुपिटर का साउंड आप सुन सकते हैं। आकार में बड़ा होने की वजह से जुपिटर से मिलने वाले साउंड में काफी नॉइस पाया जाता है। साथ ही जुपिटर इंटेंस रेडियो स्टॉर्म्स को बनाता है जो प्लेनेट और उसके नेचुरल सैटेलाइट्स के बीच बनता है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की आवाज की। आप लोगों ने हॉलीवुड फिल्म मार्शियन तो जरूर देखी होगी,
जिसे मंगल ग्रह के वातावरण और उस पर चलने वाले तूफान के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। लेकिन सौरमंडल का ये चौथा ग्रह हमारी कल्पना से थोड़ा सा शांत है। असल में मंगल ग्रह का वातावरण बहुत पतला है, इसकी वजह से वहां शक्तिशाली तूफान का बनना थोड़ा मुश्किल है और इसे पतले वातावरण के चलते साउंड वेव्स भी एक सीमित सीमा तक ही यात्रा कर सकती है। नासा के इनसाइट लैंडर द्वारा रिकॉर्ड की गई मार्स की साउंड वेव्स हमें इसकी आवाज से साक्षात्कार कराती हैं। सिस्मोमीटर से रिकॉर्ड की गई इस वेव्स को मार्स की हवा और वहां की सेस्मिक वाइब्रेशन की मदद से रिकॉर्ड किया गया है। सुनने में मार्स की आवाज काफी टोन्ड और मैग्नीट्यूड वाली है, जिसमें गड़गड़ाहट साफ तौर पर सुनाई देती है। अपनी क्रेटर्ड सतह के साथ ये काफी कुछ चांद से मेल खाता है। इसमें भूकंपीय तरंगे एक या दो मिनट के लिए बजती हैं, जबकि पृथ्वी पर भूकंप सेकंड में आ और जा सकते हैं। सिस्मोमीटर से रिकॉर्ड की गई ये वेव्स मार्स के वातावरण से जुड़े कई राज खोलती हैं। बात करते हैं शनि ग्रह की आवाज की। सैटर्न, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा गैस जॉइंट है, ये इंटेंस रेडियो एमिशंस का बहुत बड़ा सोर्स है। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट द्वारा इस ग्रह पर भारी मात्रा में रेडियो एमिशंस को रिकॉर्ड किया गया था। ये रेडियो वेव्स ग्रह के पास मौजूद अरोराज से बनती हैं। सैटर्न पर बनने वाले अरोराज पृथ्वी पर बनने वाले अरोराज से मेल खाते हैं। इन रेडियो एमिशंस को साउंड वेव्स में बदलने पर हमें सैटर्न की जो आवाज मिलती है वो काफी हैरान करने वाली होती है, जिसे आप सुन सकते हैं। सैटर्न की आवाज शुरुआत में तो काफी बांसुरी की कोमल गुनगुनाहट जैसी लगती है। धीरे धीरे आवाज में बदलाव आता है और फिर हमें साउंड के फटने और रुकी हवाओं के तेज होने की आवाज सुनाई देती है। आवाज में लाउडनेस कुछ ही समय के लिए रहती है, फिर ये धुन एक कोमल गुनगुनाहट में बदल जाती है। कैसिनी द्वारा रिकॉर्ड किए गए साउंड दरअसल हमें सैटर्न यानी शनि ग्रह और उसके आइसी मून एनसेलेडस के बीच होने वाली प्लाज्मा मूवमेंट की वजह से सुनने को मिलता है। पृथ्वी की आवाज। अब बात करते हैं हमारे अपने घर अपनी पृथ्वी की आवाज की। कई अरब सालों से पृथ्वी ने चुपचाप स्पेस में यात्रा की है। बिना किसी आवाज के हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती जा रही है, लेकिन इसके घूमने की हमें कोई आवाज सुनाई नहीं देती। जबकि विज्ञान की नजर से देखा जाए तो अन्य सभी ग्रहों की तरह पृथ्वी भी आवाज करती है। जब ये सूरज का चक्कर लगाती है, हम पृथ्वी की आवाज पर अगर ध्यान देते हैं, सुनने में हमें हम जैसी लगती है, यानी ओम हम, जिसमें कई तरह के नोट सुनने को मिलते हैं। वैज्ञानिक प्रत्येक इस आवाज को अर्थ हम कहकर बुलाते हैं। फिलहाल ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है कि आवाज कहां से पैदा होती है, क्योंकि आवाज काफी स्थिर है। जब धरती पर किसी भी तरह की कंपन होती है तो ये धीमी सी आवाज के द्वारा चलती है, जो कि आमतौर पर हम इंसानों के सुनने की क्षमता से भी परे है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी की आवाज इसके समुद्र या फिर हलचल वाले वातावरण की वजह से हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इस मामले में हमारा चांद भी पीछे नहीं है, क्योंकि स्पेस का हिस्सा होने के कारण पृथ्वी के इस नेचुरल सैटेलाइट के पास भी कोई वातावरण तो नहीं है। ऐसे में चांद की अपनी कोई आवाज नहीं है, लेकिन सौरमंडल में मौजूद हर ग्रह के पास अपनी एक आवाज है और यह आवाज सुनने में काफी रहस्यमय लगती है। इसे आप भी सुन सकते हैं। यूरेनस की आवाज। अन्य ग्रहों की तरह यूरेनस से भी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल सुनने को मिलते हैं, जिनको सबसे पहले वॉयजर ने कैप्चर किया था। इंटरस्टेलर स्पेस की ओर जाते हुए जब दोनों वॉयजर ट्विन सौरमंडल के बाहरी हिस्से से गुजरे, तो उन्होंने यूरेनस और नेपच्यून से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन को कैप्चर किया। नासा ने वॉयजर से मिले डेटा को जब साउंड वेव्स में कन्वर्ट किया, तो हमें यूरेनस से आने वाली आवाज का पता लगा। 13 रिंग्स यानी 13 छल्लों और उसके बहुत सारे स्पेस डेब्री से घिरे होने के कारण यूरेनस की आवाज सुनने में हमें गूंजती हुई सुनाई देती है। ये गैस जाइंट होने की वजह से ग्रह से आने वाली आवाज खाली वैक्यूम की है, जो भी आप सुन पा रहे हैं। मरकरी यानी बुध ग्रह की आवाज कैसी है? बात करेंगे हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे और सबसे नजदीकी ग्रह की। दोस्तों, बुध ग्रह जो कि हमारे सूरज के बहुत ही पास है और इस वजह से यहाँ गर्मी भी बहुत अधिक है। अंतरिक्ष की तरह यहाँ भी वातावरण नहीं है, जिस वजह से यह आवाज ट्रेवल नहीं करती। लेकिन अगर आप इस ग्रह की सतह पर अपने कान लगातार बुध की वाइब्रेशन को सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको सुनाई भी देगी। इसकी आवाज कुछ ऐसी है।
दोस्तों, ये थे हमारे सौरमंडल में उत्पन्न होने वाली वो रहस्यमय आवाजें जो कि ग्रह से ताल्लुकात रखती हैं। इन आवाज से हमें ब्रह्मांड के फिजिकल प्रॉपर्टीज व उस पर काम करने वाले फिनोमेना की गहरी जानकारी मिलती है। स्पेस में वातावरण न होने की वजह से कई आवाजें ऐसी जो हमारे पहुंच से परे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन इन रहस्यों से पर्दा उठाने में हमारी मदद करती है और एक कामगार कड़ी है। हमें अंतरिक्ष की रहस्यमयी आवाजों से रूबरू कराती है। कौन सी ग्रह की आवाज ने आपको सबसे ज्यादा रोमांचित किया, नाम कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।